सलामत रखो। साल है 1946। शौकत हुसैन रिजवी एक फिल्म बना रहे हैं, फिरोज़ निज़ामी उसकी मौसीकी की तरतीब दे रहे हैं, लीडिंग अदाकारा हैं नूरजहाँ और उनके साथ एक शर्मीले से दुबले पतले से हीरो हैं। फिल्म का नाम है जुगनू। इस छोटी सी लौ ने एक ऐसी रोशनी सारी फिल्मी दुनिया में बिखेर दी, ऐसा जलजला आया कि उसके आफ्टर शॉक्स हम आज तक देख रहे हैं। आज सितारों भरी शब, वेव्स की सितारों भरी शब में हम खैर मकदम करते हैं दो ऐसे फनकारों का जिनका नाम ही उनका तारुफ है। सबसे पहले इनसे मिलिए, यूसुफ खान नाम है, फिल्मी दुनिया इनको दिलीप कुमार के नाम से जानती है, और इनके साथ हैं इनके पुराने दोस्त, एक अजीम शख्सियत, एक फनकार सुनील दत्त साहब। मेरे साथ आज यहाँ मौजूद हैं मुइन अख्तर साहब। अस्सलाम वालेकुम। मुइन, हमने कुछ और भी दोस्तों को यहाँ मद्दू कर रखा है। हमारे मुल्क के नामवर फनकार जनाब मोहम्मद अली साहब तशरीफ फरमाए हैं। मोहम्मद अली साहब के साथ बेगम मोहम्मद अली, जो अपने वक्त की बहुत मारूफ अदाकारा थी, उनके साथ साहिरा काजमी हैं। साहिरा काजमी बहुत जाना पहचाना नाम है टेलीविज़न के हवाले से। और मोहतरमा नैयर कमाल साहिबा तशरीफ रखती हैं। नैयर कमाल साहिबा की भी कोई तारुफ या तारीफ़ की ज़रूरत नहीं है, टेलीविज़न के नाज़रीन बहुत खूबी से इनसे वाकिफ़ हैं। उनके साथ जनाब खालिद हसन साहब तशरीफ़ फरमाए हैं, ये आज के मेहमान हैं। और हम पाकिस्तान टेलीविज़न की जानिब से मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे एक ऐसी हस्ती के लिए। गुज़िश्ता 50 साल से, यानी नस सदी अगर आप कहें तो मुनासिब होगा, गुज़िश्ता 50 साल से ये कितनी खुशबख्ती की बात है किसी स्टार के लिए कि कोई उनका मद्द मुकाबिल आज तक पैदा नहीं हो सका। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से आपको निशान इम्तियाज़ मुबारक हो। शुक्रिया। और पाकिस्तान आपकी आमद पर हम सब आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपनी गुनागुन मसरूफियत में से वक्त निकाल के यहाँ तशरीफ़ लाए। बहुत मोहब्बतों से इस्तकबाल हुआ आपकी शफ़क़त और खुलूस मोहब्बत की हरारत मुझे फिजा में ही होने लगी थी। मैं इसको अपनी खुशनसीबी समझता हूँ कि ये निशान इम्तियाजी मुझे दिया जा रहा है और मेरे इस पूरे 50 साल की, 50 से तो कुछ ज़्यादा ही हुए जी थोड़ा, तो इतने सालों की कैरियर का एक ये बड़ा ही इम्तियाजी और तारीखी नौइयत रखता है ये अवार्ड। और अवार्ड के साथ जो खुलूस व अकीदत और जो मोहब्बत मुझे मुयस्सर हुई और अल्लाह ने मुझको दी, मैं उसके लिए उसका भी शुक्रगुजार हूँ और साथ में अपने तमाम भाइयों का, बहनों का, बच्चों का। ये सफ़र ऐसे ऐसे मोड़ लेगा और इतना दूर जाएगा, इसका तो मुझे कोई अंदाज़ा ही नहीं था। और अब हम आज यहाँ इस्लामाबाद में बैठे हैं, मेरे साथ सुनील हैं, मोहम्मद अली हैं, सबिया हैं और हमारे अजीज़ दोस्त शाम की साहिबजादी बैठी हुई हैं, साहिरा यहाँ। सबिया भूल गए आप, ये ज़ेबा हैं। ना करें कर। उमर का तफादा। आप सुनील दत्त साहब, आप बड़े देरीना आपकी ताल्लुकात हैं यूसुफ खान साहब से, आप पड़ोसी भी हैं इनके।
और आज खुसूसी तौर पे आप शिरकत के लिए यहाँ पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं। एक दीवार है सुना है आपके और इनके घर के दरमियान, वो दीवार मैंने भी देखी, वो दीवार अब भी है? वैसे वो दीवार नकली है असली नहीं हो। अच्छा। कुछ बताएंगे आप कि लोग तो ये पूछेंगे, अब थोड़ी देर बाद हम आपसे सवाल करेंगे यकीनन यूसुफ खान साहब के फिल्म के करियर से मुतालिक, एक पहले तो बताइए कि बहसियत इंसान के और बहसियत एक अच्छे पड़ोसी के आपने दिलीप साहब को कैसे पाया? मैं यूसुफ साहब को बतौर एक स्टूडेंट के भी मैंने जाना है, क्योंकि एक ज़माने में मैं भी जैसे आप हमारी इंटरव्यू कर रहे हैं, मैं भी रेडियो के लिए इंटरव्यू किया करता था कलाकारों की, और यूसुफ साहब उस वक्त बहुत बड़े कलाकार थे और मैं एक स्टूडेंट था उस वक्त, मगर इन्होंने जो मुझे प्यार मोहब्बत दिया उस ज़माने में, और सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि मुझे, मैं तो एक छोटा सा इंटरव्यू करने वाला जर्नलिस्ट था उस वक्त, मुझे अपने घर ले गए, अपनी बहनों से मिलवाया, अपने भाइयों से मिलवाया, और बड़ी आपा थी उनसे मिलवाया, तो उस दिन से मेरे दिल में इनके लिए इतनी अकीदत हो गई है कि इन्होंने मुझे अपने घर का समझा, अपना समझा, इसलिए मुझे घर ले गए। और फिर मैं कला की दुनिया में आया, और मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा यूसुफ साहब के बारे में कि ये सब जो मिलता है, जो खुदा देता है, वो कोई ऐसे आसानी से नहीं मिलता। इनको मैंने देखा है फिल्म में काम करते हुए, क्योंकि जब मैं इंटरव्यू किया करता था मैं घंटों सेट पे बैठा रहता था, एक एक शॉट के लिए मेरा ख्याल है कि घंटों ये रिहर्सल किया करते थे, अगर पसंद नहीं आता था दोबारा उसको करते थे, जब तक इनको टोटल परफेक्शनिस्ट। और यही वजह है कि आज भी इनका मकाम उतना ही बुलंद है जहाँ से इन्होंने शुरू किया, रोज़े अव्वल की तरह। जी हाँ, और ये चीज़ जो है बहुत कम कलाकारों में पाई जाती है, और मैं ये समझता हूँ कि ये इनकी जो इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ जो इंसानी इन्वॉल्वमेंट इनकी हुई, इंसानी खिदमत के लिए, ये भी इनकी अदाकारी का आउटकम है, क्योंकि जो फिल्में उन्होंने की हैं उनमें कुछ मैसेज हुआ करते थे, उनमें कुछ कहने की बातें होती थी, यानी कि फन का एक सोशल कॉन्शियसनेस का भी पहलू, हाँ पहलू था, और यही वजह है कि उसका उन फिल्मों में काम करके इनके ऊपर भी उसका बहुत असर हुआ। इसलिए जब कभी कोई तकलीफ होती है इंसानों को हमारे मुल्क में या बाहर के मुल्कों में, अभी बॉस्निया के लिए जो इस तरह का हादसा हुआ इतना बड़ा, तो उसके लिए फंड इकट्ठा करने के लिए अमेरिका चले गए, हमारे यहाँ किस तरह के हादसे होते हैं, फ्लड्स आ जाते हैं, कभी कभी फेमन्स होते हैं, हम रैली निकालते हैं, ये बिल्कुल आगे आगे रहते हैं, तो इन्होंने हमें भी रास्ता दिखाया कि कलाकार होने के साथ साथ अच्छा इंसान ये फर्ज बनता है कि आप कला की दुनिया में जो लोग आपको इतना प्यार करते हैं उनके लिए आप क्या कर रहे हैं, और ये इन्होंने हमेशा किया। यानी कि सिर्फ फन के साथ इंसाफ ना किया जाए, वैसे जी बतौर एक इंसान के इंसानियत के काम भी आना चाहिए, क्योंकि जब लोग आपको इतना प्यार करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं, उनको कला के ज़रिए तो आप बहुत ज़्यादा खुश करते हैं, पर उसके बावजूद उसके अलावा क्या करते हैं आप आवाम के लिए, तो ये चीज़ें जो इंस्पिरेशन हमको भी मिली, और इनकी वजह से ही मैं सोचता हूँ कि हमको भी एक इंस्पिरेशन मिली, एक अंदर जज्बा पैदा। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि यूसुफ खान साहब को इंसानी खिदमत करते देख कर आपने भी ये सोचा कि आपको भी इंसानियत की खिदमत करना चाहिए, तो उस हवाले से आप भी इस तरफ आए और आपने काफ़ी काम किया कैंसर के लिए, एड्स पर आपने काफ़ी काम किया। यूसुफ खान साहब, एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ जी, 50 साल से कुछ ज़्यादा पे मुहित है आपका फिल्मी सफ़र, इसमें कुल 65 फिल्मों में आपने काम किया, जबकि आज का जो नया अदाकार है वो साल दो साल के वक्फे में 150-200 फिल्मों में बड़ी आसानी से काम कर लेता है, इसकी क्या वजह, इतनी कम फिल्मों में काम करने की वजह क्या रही? दरअसल क्या है कि काम में कुछ तो झलक किसी मेयार की होनी चाहिए, कहानियां
रॉ मटेरियल जिन्हें हम कहें वो लिटरेचर पर मुबनी होता, और लिटरेचर न हो तो अच्छे अफसाना निगार हैं वो कहानियाँ लिखते हैं। फिल्म की कहानी लिखने के लिए एक ख़ास टेक्निक की ज़रूरत है जिसमें इम्तिजाज भी हो और मखलूत हो, एंड देयर शुड बी ए गुड सिम्फनी ऑफ लिटिल बिट ऑफ ह्यूमर, लिटिल बिट ऑफ कॉमेडी, थोड़ा सा ड्रामा, फिर ड्रामे की शिद्दत और मौसीकी भी साथ में हो, और क्लाइमेक्टिक उठान भी उसका हो। ये सब तो हम जल्दी पहचान गए थे कि ये सारी एलिमेंट्स जो हैं इनको इकट्ठा करना इसमें ज़रूरी है। अब वो कौन सा मटेरियल है जो कि ज़्यादा मुनासिब होगा और जिसमें परफॉर्म करने की कुछ गुंजाइश हो, जब तक वो गुंजाइश इनबिल्ट नहीं होगी तो कोई आदमी अपने किरदार से तो बढ़ के काम कर नहीं सकता है। उसकी तलाश थी, क्योंकि हमारे यहाँ राइटर्स तो माशाल्लाह अच्छे थे। मंटो साहब हमारे से पहले खेप में थे वो, और फिर बेदी साहब आए, कृष्ण चंद्र आए, और बहुत से मशहूर राइटर्स थे जिनके जी अहमद अब्बास आए। अहमद अब्बास हैड ए वेरी सोशल बेंट ऑफ माइंड, स्लाइटली लेफ्टिस्ट, और वो हमेशा अपने सब्जेक्ट्स में वो अनासर जो हैं उनको बढ़ाते थे। उस दौर में आदमी फ्लोट कर जाता है। इस इंस्टीट्यूशन में आप हैं, इनका काम ये है कि एक कामयाब फिल्म सीरियो कॉमेडी बना के दे दें। अब उसमें आपको ज़्यादा बहस और उसकी कुछ सवाल पूछने की गुंजाइश होती नहीं थी। जब छोटे छोटे महीन इश्यूज़ के जैसे अगर ये मकालमा यहाँ से इधर कर दिया जाए या उधर कर दिया जाए, तो मैंने देखा कि इसमें बड़ी फिसलन है। आदमी अगर अपने आप को छोड़ दे तो वो दूसरे, चूँकि आपने उसमें कुछ गाना गाया था और उसमें कोई ड्रामा किया था और उसमें कुछ किया था, तो वो आपको उसी फर्मे में ढाल के वो चाहेंगे कि दे ब्रांड यू एज सच, कि वो जैसे मरने के सीन थे मुझे शुरू में, बहुत हर पिक्चरों में तो इंजॉय बेटे, इंजॉय करना क्या है, मैं तो मेरे पास कोई तरीके और रहे नहीं। मैं समझूं कि इस पिक्चर में कैसे मरना होगा, कैसे मरूं मैं। आई वेंट आउट ऑफ द वेज ऑफ डाइंग, तो फिर और खुद ये महसूस होता था कि मैं खुद भी, मेरी जिंदगी भी ऐसी ही है कुछ, क्या सफर 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 और सफर करते करते एकदम खत्म हो जाएगा। और यही वजह है कि आपने उस जमूत को तोड़ा, राम श्याम, शबनम, सगीना महातो ऐसी फिल्में की जिसमें आपने ह्यूमरस रोल्स किए। उस फर्मे से निकलने के, बाहर निकलने की एक जतन था कि ये जो एक दफ़ा ब्रांड कर दिया जाए आदमी, तो कई आर्टिस्ट हैं कि अगर वो ब्रांड हो गए तो फिर उसमें से निकल नहीं सकते। नहीं, राज कपूर आपको पता नहीं कि कितना अच्छा ड्रामेटिक आर्टिस्ट थे वो, लेकिन एक दफ़ा वो उस फर्मे में ढल गए तो लोग उससे वही, उनसे वही तवक्को करते थे। कई दफ़ा उन्होंने कोशिश की कि कुछ अच्छी ड्रामाई फिल्में भी करें, लेकिन वो उतनी कामयाब नहीं हुई। और एवरी टाइम यू टेक ए चेंज फ्रॉम वन रोड, इफ़ यू गो टू अनदर वन यू आर टेकिंग ए रिस्क, आप एक ख़तरा मोल ले रहे हैं। ये तो आपने बहुत बड़ा ख़तरा मोल लिया था कि एक संजीदा इंसान और एक रोमानवी हीरो अचानक ह्यूमरस रोल्स करने लगे, तो ये बजाते खुद एक बहुत बड़ा रिस्क था। तो ये आपके अंदर के संजीदा इंसान ने इन रोल्स को कबूल कैसे किया? एक्टर अच्छे हैं ना? नहीं, आई थिंक ही इज अ ग्रेट एक्टर। नहीं, लेकिन एकदम से संजीदा रोल करते करते एकदम से राम श्याम और इस तरह की फिल्मों में संजीदा रोल करते करते ये लेवल ना लगा देना कि ये संजीदा ही रोल कर सकते। एग्जैक्टली, आप कम से कम ये भी देखें कि अगर आर्टिस्ट जो है वो परफॉर्म करना जानता है तो वो जहाँ ट्रेजेडी परफॉर्म कर रहा है वहाँ परफॉर्म करने में उसकी एक लगन है, उसकी एक तवज्जो है, तो वो कॉमेडी की तरफ आएगा तो उसी लगन और तवज्जो से आएगा, समझो, और उसके अंदर कोशिश करेगा कि मैं जैसे ट्रेजेडी में कामयाब हूँ ऐसी कॉमेडी में कामयाब हूँ। आपको दिए जाते हैं, अगर कोई दूसरा अदाकार उसे
परफॉर्म करे तो वो उस तरह से नहीं करेगा जिस तरह आप करते हैं, आप उसे घुमा घुमा के करते हैं, तो ये इन रोल्स को स्टडी करते हैं आप बाकायदा? पता नहीं, अब आप घुमा घुमा के भी जी, थैंक यू। अगर आप इजाजत दें, मैं आप ही की बात जरा क्लियरली मैं बताता हूं। थैंक यू सो मच। मैंने एक दफा घुमा घुमा का क्या, मैं वही बता रहा हूं। थैंक यू। मैंने एक दफा आपसे किसी जगह सवाल किया था तो आपने यही जवाब दिया था मुझे कि सीधे साधे रोल को घुमा घुमा के करने की मुझे आदत पड़ गई है। शायद हम हवाई जहाज में थे उस वक्त, ऊंचाई पे थे। अच्छा, एक सवाल के जवाब, क्या फिल्म से माशरे को रिफाइन करने का काम लिया जा सकता है? ये तो बड़ी गंभीर किस्म का सवाल है। पहले हम उनसे कुछ उनकी पुरानी फिल्मों के बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू कर लें। आपने अभी राज कपूर साहब का जिक्र किया जी। पहली और आखिरी फिल्म जो आप दोनों ने इकट्ठे बनाई जी, अंदाज। और उस फिल्म से एक इनकलाब आ गया, क्योंकि ये पहली फिल्म थी सिनेमा की जिसमें इस किस्म की एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप एक्सप्लोर की गई। उसके बाद आप दोनों ने अपने अपने मुख्तलिफ किस्म के रास्ते इख्तियार कर लिए। आप संजीदगी की तरफ, रूमानी एस्पेक्ट जिसकी आप बात कर रहे थे, राज कपूर साहब ने अपना एक और ही मैनरिज्म अपनाया उसमें, उसके बारे में कुछ बताएंगे हम? उस रोल को कैसे तख्लीक किया आपने? सुना है दोनों रोल आपको ऑफर हुए थे। नहीं, रोल दोनों तो ऑफर नहीं हुए थे, ऑफर तो यही रोल हुआ था। और उसको तख्लीक कैसे किया वो तो मुझे मालूम नहीं है, बस हम खुद नौ आजमुदा थे इस काम में, तो हमने सोचा जैसे जैसे समझ में आए वैसे वैसे करते जाओ। और महबूब साहब ने में एक बात थी, कहीं छूट देते थे तो फिर वो छूट देते ही रहते थे कम डायरेक्शन करना, लेकिन कहीं करते थे कि देखते थे कोई चीज़ अगर उनके निसाब से बाहर जा रही है तो ही वॉज एन एक्यूट पर्सन। रोल मेरे ख्याल से ना मैंने कुछ ख़ास काम किया और ना उसमें राज ने किया, दोनों हम लोग मिलके अक्सर एक ही साथ जाते थे क्योंकि वहाँ सबब से आते थे तो दादर तक हम लोग साथ साथ जाते थे, और वो भी पेशावर के, मैं भी पेशावर का था। उनके अब्बा हमारे वालिद को अच्छी तरह जानते थे, उनकी वालदा हमारी वालदा को अच्छी तरह जानती थी, तो उस दौरान में वो डरे डरे सहमे सहमे और आने वाले दिल का, आने वाले सीन का, दूसरे रोज़ का एक अजीब सा खौफ दिल में लिए कि खुदा जाने क्या करना होगा। अच्छा, कम ही करो, ज़्यादा एक्टिंग में करो। देखते थे हम लोग जाके पिक्चर बाहर कि 3:30, 6:30, 9:30 तो रात कम देखता था। फिर हाँ मखा मुझे कहते तुम अपना वक्त ज़ाया करते हो और मैं मुझे नहीं देखना है, और एक ही पिक्चर फिर देखो 3:30 भी 6:30 भी वही, क्योंकि एक दफ़ा देखते हैं पिक्चर तो इतना जल्दी गुजर जाता है नज़र से, ख्याल नहीं रहता किसने अच्छा काम किया क्या किया, और उसको बार बार देखते थे तो बात जहन में रहती थी। तो ही डिड नॉट सब्सक्राइब टू दैट थॉट, घड़ी घड़ी देखने से, घड़ी घड़ी देख, वो ये नहीं समझ रहे थे कि घड़ी घड़ी देखने से मैं देख क्या रहा था। तो मैंने देखा ये लोग तो बहुत कम एक्टिंग करते हैं, नहीं नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, वो सर नो आई वोंट डू इट, आई विल नॉट डू इट। ये अंदाज के बारे में जैसे आपने फरमाया, मुझे याद है कि हम कॉलेज में थे और ये पिक्चर रिलीज हुई थी अंदाज, और मेरा ख्याल है कि ये इस पिक्चर ने एक ट्रेंड सेटर जैसे बोलते हैं ना, वो फिल्म ट्रेंड सेटर थी, एक आर्चीटाइपल फिल्म बन गई। और मैं इसके लिए क्रेडिट डेफिनेटली दूंगा मैं उस साहब को कि जिन्होंने इस चीज़ को कंसीव किया और जिन्होंने ये कलाकार चुने। और आप यकीन जानिएगा कि हमारे कॉलेज में, हमारी कैंटीन में स्टूडेंट्स में डिबेट होते थे कि दिलीप साहब ने अच्छा काम किया है या राज साहब ने अच्छा काम किया है, इतने डिबेट होते थे। फिर दोनों ऐसे जैसे कि आपस में लड़ जाएंगे, परफॉर्मेंस डिस्कस होती थी, उन्होंने ये डायलॉग कैसे कहा, और उसमें राज साहब ने कोई कॉमेडी नहीं की थी जी, नहीं, उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, और यू साहब ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था। तो ये डिपेंड भी करता है कि डायरेक्टर के ऊपर, जैसे आपने फरमाया मैं उस साहब के बारे में, और मैं ये कहूँगा कि मुझे भी मौका मिला उनके साथ काम करने का मदर इंडिया में,
He was an actor's director. Mahbub sir. मैंने मेरा ख्याल है कि मैंने अपनी प्रोफेशन में जितना काम किया है मुझे उनसे बेहतरीन डायरेक्टर जो एक्टर्स डायरेक्टर हो वो मुझे नजर नहीं आया. यानी कि आपका काम निखारते थे. बिला शुबा. सुनील साहब, आई जस्ट लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग अली साहब, कि मैं डायरेक्ट भी करती हूँ, हमारे खिलाफ एक्टर्स बहुत हो जाते हैं कि आप रीटेक क्यों करती हैं. सो आई जस्ट लाइक टू आस्क दिस अबाउट महबूब साहब, डिड ही डू अ लॉट ऑफ रीटेक्स? महबूब साहब का क्या था कि मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि वो एक जादूगर थे. वो जैसे किसी ऊपर जादू कर देते हैं कलाकार को, और हम देखते रहते थे क्योंकि मदर इंडिया जो सामने था, हम सेट पे नहीं थे जब ये पिक्चर बनी, मगर जैसे छोटा बिरजू मदर इंडिया में जिसने काम किया, तो वो बिरजू के साथ भी बिरजू बने हुए हैं. कन्हैया लाल ने जो काम किया था वो भी कन्हैया लाल की मिसेज दत्त को जो बताते थे वो भी बताते थे. और हम बैठ के सोचते थे, हमने देखिए जो मैं उसका बता रहे हैं उसका 50% भी कोई कर लेगा तो ही विल डेफिनेटली स्कोर इन द फिल्म. ऐसा वो समझाते थे. ग्रेट वर्सिटैलिटी बहुत थी उनमें. मैं दीदार में काम कर रहा था तो उन्होंने कहा कि दीदार में नितिन ने कहा कि अंधा बनना है लेकिन आँख खोल के अंधे का काम करना पड़ेगा. तो ये अचानक बात मुश्किल हो गई, आँख खोलते हैं तो सब दिख रहा है. अब मैं बड़ा परेशान कि ये दिख रहा है तो मैं कैसे अंधे का काम करूँ. चेहरे लोगों के, कोई इधर देखता है, लोगों की नज़र भी जो होती है उसमें भी कुछ ना कुछ बात होती है, इंसान पर कुछ ना कुछ असर करती है. तो मैं महबूब साहब से अक्सर मैं जाता था, शाम को मैं गया तो कहने लगे कि तुम वो सेंट्रल सिनेमा के सेंट्रल स्टेशन पर के नीचे जो सिनेमा है उसके पास आगे एक अंधा बैठता है और वो पार्ट टाइम भीख मांगता है. मैंने कहा जी पार्ट टाइम मतलब वो शाम के टाइम में भीख मांगता है, उसके बाद चला जाता है वहाँ से. तुम जाके उसको ज़रा देखो, वो तुमको पता चलेगा. तो मैं साहब गया गाड़ी में वहाँ और इधर से आहिस्ता से होके जाऊँ, उसको देखता देखता फिर उधर से आहिस्ता आहिस्ता जाऊँ. तो मैंने उसमें अजीब बात देखी, वो अक्सर अरे भाई क्या बोल रहे हो, जाओ जाओ ना. हाँ भाई साहब क्या है, मोहम्मद अली साहब बड़ी खुशी हुई आपको देख के, अच्छे तो हो आप ये. तो मैंने कहा साहब वो तो ऐसे ही अजीब तरह से करता काम, किधर खास देखता ही नहीं है, आपसे बात कर रहा है क्यों. सुनील दास साहब मैंने उनका उसका परफॉर्मेंस किया तो महबूब साहब खुद उसको देखने गए, फिर मुझे बैठ के क्लोजअप में बताते हैं कि देखो ऐसे काम करो कि अगर इधर सुनील दत्त बैठे हुए हैं, इधर बैठे हुए तो आप उनसे बात करो. तो कहो कि सुनील भैया देखो हमारी बात सुन लो, ये बहुत डेंजर का मामला है, इसके अंदर ना बहुत से ऐसे लोग हैं, तुम सुन रहे हो कि नहीं. तो इस तरह से कुछ क्लोजअप उन्होंने मुझे करके भी बताए. और दीदार में मैंने उनकी नक्काली की, उस की उनके उस परफॉर्मेंस की. महबूब साहब, महबूब वॉज ए ग्रेट डायरेक्टर. आपने कुछ सवाल पूछा था क्या, और ये बहस इसको कहीं और ले गई. ये दीदार की बात जो आप कर रहे हैं इसमें एक खास सीन है जो अभी तक हमारे जहनों पे तो कम से कम नक्श है. अशोक कुमार साहब आपसे कुछ इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं कि जिंदगी बड़ी हसीन है, और आप कहते हैं कि आपने माला को गौर से देखा, माला जिंदगी से ज़्यादा हसीन है. वो आपको एक थप्पड़ मारते और वो उस वक्त जो आपका क्लोजअप है, यानी कि इंस्टिंक्टिव एक रिएक्शन होता है कि अगर आपको चोट आई है तो आप हाथ रखते हैं, मगर वो ऐसे था जैसे आपके जिस्म को तो थप्पड़ लगा, आपकी रूह को कुछ नहीं हुआ. ऐसे क्लोज़ अब वो याद नहीं है मुझको, लेकिन मुझे इतना याद है कि अशोक भैया जो आई थिंक ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट लविंग मैन, मोस्ट लविंग, मोस्ट कंसिडरेट, यानी इतने शफीक आदमी थे. तो वो इस मामले में चूंकि हम लोग नए थे तो कहते थे, मुझे ये याद है अच्छी तरह, थप्पड़ की जब बारी आई तो कहने मैं तुम्हारे पास से ऐसे हाथ लेके जाऊँगी, यूँ ऐसे हाथ लेके तो जब मैं ऐसे जाऊँ तो तुम एकदम ऐसे कर लेना, यूँ कर लेना. तो आई यू टू टेक इट वेरी सीरियसली. तो उन्होंने 2-3 दफ़ा ऐसा, 5-7 दफ़ा ऐसा किया, कभी मैं पहले हट जाऊँ, कभी देर में हटूँ, कभी तो क्या इसका टाइमिंग सिंक करो. फिल्म क्या है, टाइमिंग है, टाइमिंग सिंह. तो आखिर में थप्पड़ मारा ऐसे, तो मैं भी यूँ करके वो लगा नहीं था मुझे, लेकिन मैंने उसको पकड़ लिया ऐसे कि जैसे बहुत जोर का लग गया है.
लेकिन वो सीन क्या था वो मुझे याद नहीं है, वो क्यों उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा, ये आपने डायलॉग बताया, तो ये अगर डायलॉग बताया और नरगिस की तारीफ की तो ये तो बेअदबी थी, क्योंकि मेरे ख्याल से नरगिस जी का और उनका जी उनका ब्याह हो चुका था। अच्छा जी। ये फिल्म की कहानी है। यूसुफ खान साहब, आप आपकी एक बात लोगों ने बहुत नोट की है, वो ये कि आपने पूरे करियर में आधी आस्तीन की शर्ट नहीं पहनी। देखो अभी बता देता हूँ, इतने गहरे बाल हैं मेरे, इतने बाल हैं कि वो पानी इधर से आता है, कभी स्विमिंग पूल में जाता तो इधर हो जाते हैं, फिर वो तो मानो इधर तंगी करके किसी ने इधर कर दिया, तो मैं बड़ा सेल्फ कॉन्शियस हो जाता हूँ इस मामले में। वो जमाना कुछ और था, आज जमाना कुछ और है। अनिल कपूर तो पूरी बॉडी दिखाता है। जी बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। वो जमाने की फिल्में अलग थी। आज के दौर के फनकार जो हैं, कल भी मैंने कहा था, आज के दौर के फनकार जो हैं उनका तसव्वुर अपनी तखलीक का कुछ और है, और ये तसव्वुर जो लोग आपके सामने बैठे हुए हैं इनकी तख्लीक का तसव्वुर ऐसा ही था कि जैसे एक मंबा है जिसने आने वाली नस्लों को ट्रेन करना है, और यूसुफ साहब ऐसी शख्सियत हैं, सुनील साहब ऐसी शख्सियत हैं, दे आर द डोर वे फॉर द न्यू पीपल टू कम इनटू द इंडस्ट्री। मेरे ख्याल से दिलीप साहब की जो जवानी की फिल्में हैं वो उन फिल्मों के अंदर जो लोग देखा करते थे वो देखकर मैं भी देखता था, और मुझे हर शख्स चाहे उसके बाल हो या ना हो सर के ऊपर वो दिलीप कुमार ही लगता था। वो तो आप, आप तो ये देखो ना, ये जस्टिफिकेशन ऐसी है कि एक इंसान अपनी परफॉर्मेंस से इस कदर मुतासिर करता है कि देखने वाला जो है उस शख्स की पैरवी करने पर मजबूर हो जाता है। मुझे अच्छी तरह और याद है। बहुत से अदाकार ऐसे हैं इंडिया में और पाकिस्तान में जो दिलीप साहब की परफॉर्मेंस देखकर और दिलीप साहब को देखकर अदाकार बने। दुरुस्त। कॉलेज के जमाने से मुझे याद है जी, जिस लड़के को बाकायदा डांटना होता था उसको हम यही कहा करते थे, तुम समझते क्या हो अपने आप को, बड़े दिलीप कुमार बने फिरते हो। बिल्कुल। अच्छा जब जब बात अभी मोहम्मद अली साहब ने कहा कि हर नौजवान उस वक्त का दिलीप कुमार एक ट्रेंड सेट हो गया था कि जी बाल वैसे बना। हाँ बिल्कुल, मतलब अब तो इंस्टीट्यूट की हैसियत हो गई है आपकी। भाई तो, जब फिल्म आन बनी थी ना जी पाकिस्तान में, जब रिलीज हुई तो मस्जिदों के अंदर मौलवी कहते थे ये कमबख्त नमाजी कहाँ है, आन देखने चले गए होंगे दिलीप कुमार। ये बाकायदा मैंने सुना है अपने कानों से। अच्छा मैं उसी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि अली साहब ने कहा कि लोगों ने देख देख के आपको सीखा, तो कभी आपने ये नहीं सोचा कि कोई एक एकेडमी कायम की जाए जिसमें बाकायदा लोगों को सिखाया जाए, ये फन आपने अपने तक ही क्यों महदूद रखा? ये जब अब बातें आप सब कर रहे हैं मेरे बारे में ना, तो मुझे ऐसे महसूस होता है कि किसी और के बारे में। कहाँ से एकेडमी, खुद ही नहीं आता था, सोचते थे कि किस तरह से किस जतन से इस पर उबूर पाएं, और आज तक अगर सच पूछे तो आज तक वो कॉन्फिडेंस ऑफ लिविंग ए कैरेक्टर मुयस्सर नहीं हुआ। हमेशा ये ख्याल होता है कि हाँ इससे बेटर हो सकता था, लेकिन अच्छी बात क्या होती है कि जो देखने वाले होते हैं उनको क्या मालूम है कि उससे बेटर क्या होता, वो तो वही देखते हैं जो है, जो हम करना चाहते थे उनको तो उनको उनके आगे नहीं होता। तो ये एक तरह से हमारी खुशनसीबी है और ये भरम है, चलता जा रहा। आपने माफी चाहती हूँ जी। यूसुफ साहब, हम अब हमारी जिंदगी में जितने भी फनकार आए हैं, आप जैसे कद्दावर फनकार हमारे यहाँ नूरजहाँ हैं, हम कहते हैं कि लता मंगेशकर, दिलीप कुमार, रफ़ी या मुकेश दोबारा नहीं हो सकते, और पता नहीं सदियों में भी पैदा होंगे या नहीं होंगे, तो उनके फ़न को महफूज रखने का तो एक है तरीका कि उनकी आवाज़ें महफूज रखी जाएं। आप अपनी ज़ात में माशाल्लाह खुद एक इंस्टीट्यूशन है, तो इसे हिंदुस्तान में आपके फ़न को एज ए रिकॉर्ड या उसको हिस्ट्री का एक हिस्सा समझते हुए
रखने के लिए कोई ऐसी तरकीब कोई सोची गई है, कोई लाइब्रेरी, कोई आर्काइव्स? आर्काइव्स हमारी है पुणे में, इंडियन फिल्म इंस्टीट्यूट में। लेकिन जहाँ तक ये इंडस्ट्री का सवाल है और मोशन पिक्चर मेकिंग, इसको 50 साल हुए, 50 साल एक कौम की तारीख में कोई ज़्यादा अरसा नहीं होता मेरे ख्याल से। ये फिल्म की का एक इब्तदाई दौर है और इसमें और बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स आएंगे। बहुत एक रियलिस्टिक स्कूल जैसे मैं देख रहा हूँ बॉम्बे में वो एमर्ज कर रहा है। कल अली जिक्र कर रहे थे कि सिवाय रक्स और डांस के और इसके कुछ दिखाई नहीं देता उनको, और वो बात सही भी है क्योंकि मैंने भी अक्सर देखा तो वही दिखा। लेकिन कुछ फिल्म्स ऐसे हैं जिनसे कि एक बड़ी उम्मीद अफजा तवक्को इंसान के दिल में पैदा होती। आई थिंक दिस मीडियम विल डेवलप, ग्रेटर पीपल विल कम, मैनी मोर दिलीप कुमार। लेकिन ये जो पायनियर्स हैं जैसे महबूब साहब हैं या और कुछ लोग हैं, उनमें चाहे किनकी भी किसी की भी गिनती कर ले, लेकिन ये इब्तिदा है मेरे ख्याल से। ये बताते खुद कोई इंतहा नहीं है। इट्स नॉट वेरी लॉजिकल इन दिस ग्रोइंग वर्ल्ड ऑफ चेंजिंग। गुस्ताखी माफ, आप ये देखिए कि इन 50 सालों में भी मतलब आपके लेवल पर या इवन सुनील साहब के लेवल पर नरगिस मधुबाला और विजयंती माला इन लेवल पर अभी तक कोई फनकार आए नहीं। इट्स मोर मशीन। ये बड़ा पर्टिनेंट पॉइंट है, मशीन एंड मैकेनिकल, लेस ह्यूमन यू नो एफर्ट। दिस मशीन, इट्स वो जो कॉन्फ्लिक्ट जो मीना ने या मधुबाला ने या और नरगिस जी को यानी अदा करने का मौका मिला, इट केम आउट ऑफ द सब्सटेंस, रॉ मटेरियल, कहानी और कहानी की तहरीर। जैसे मुगले आजम है, उसकी तहरीर और वो शुस्ता जबान और शौकत अल्फाज उसमें जो थे, फिर उसकी अदायगी, ये सब उस पर मुनहसर है। अनफॉर्चुनेटली बदनसीबी ये मुल्क की कि हम मगरबी कदरों को इस कदर अंधाधुंध अपनाते जा रहे हैं कि घर के अंदर उठने बैठने के आदाब में भी आप देखिए हाय बाय क्या कितना बोरिंग कर रहे हैं आप। और इस तरह का एक कल्चरल चेंज जो है वो उसने उभरने नहीं दिया। नए जनरेशन के आर्टिस्ट में देखता हूँ टैलेंटेड हैं, बट दे डोंट हैव द मटेरियल टू परफॉर्म। अच्छा, दे डोंट इवन हैव द एप्टीट्यूड टू सर्च, दैट इज वन mistake. I can point out. Yes, I think that's one of the main things. They don't read. He does not search, and search किस चीज की जो उसमें नहीं है या उसके आसपास नहीं है, उसमें एक इनकिसारी नहीं है। थोड़ा सा जान के आदमी समझ लेते हैं हमको सब कुछ आ गया है। So this is not a right kind of a personality to breed qualitative research, temperament, or discipline. एक आपने जो फरमा रही है ना, उसमें मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अभी क्या है कि हर तरफ हर पहलू में कमी महसूस की जा रही है, सिर्फ कलाकारों में ही नहीं। एक ज़माना था कि जब दिलीप साहब की फिल्म आती थी या राज साहब की आती थी फिल्में या मीना जी की आती थी फिल्में, तो उस वक्त जर्नलिस्ट लिखते थे परफॉर्मेंस के बारे में। आजकल कोई जर्नलिस्ट परफॉर्मेंस के बारे में नहीं लिखता, ज़ातियात पे ज़्यादा। तो जी हाँ, और आज मैं माफ़ी चाहूँगा कि हमारे टेलीविज़न के नेटवर्क के ऊपर भी हम हिंदुस्तान में जो देखते हैं उसमें गाने बजाने ही दिखाते हैं कि परफॉर्मेंस के पीसेज नहीं दिखाते, क्योंकि मैं समझता हूँ कि वो भी अपना होमवर्क करके बराबर नहीं आते हैं। पहले जो जर्नलिस्ट थे, जो क्रिटिक्स थे, वो अपना होमवर्क करते थे, उनको मालूम था परफॉर्मेंस क्या है, ये क्यों ये चीज़ इस क्यों कह रहा है। जैसे आपको अभी तक याद है कि जब इनको तमाचा पड़ा अशोक जी का, तो उनके एक्सप्रेशन क्या थे, मगर आजकल हमारे जर्नलिस्टों को याद नहीं है। तो ये टोटैलिटी है जो डिटेरियरेशन हो रही है, ये सिर्फ ये नहीं है कि फिल्में बनाने वालों में ही है कि फिल्में मुकम्मल जी हाँ, तो इस पूरे माहौल को जब तक हम कंट्रोल में नहीं लाएंगे। आप 50s की और लेट 40s की या 60s की जब फिल्में हम देखते हैं तो एक सिनेमा की एज ऑफ इनोसेंस है वो, मगर आजकल आप फिल्में देखें इतनी वल्गैरिटी है उनमें और इतनी रेपिटेटिव हैं,
और इतनी बोरिंग हैं और इतनी इनडिसेंट हैं, और आपने एक देख ली, प्रोबेबली सारी देख ली, तो ये जो ये हुआ, ये डिटेरियोरेशन हुई एक तरह से एथिकल लेवल पे, आर्टिस्टिक लेवल पे, वो स्लिक ज़्यादा हैं बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी. तो हाउ डू यू सी दिस? I personally feel that this is a state of bankruptcy as far as a selective material or literature is concerned. तो नकाली ज़्यादा होती है, वेस्टर्न थीम्स ले लेते हैं, वेस्टर्न कपड़े ले लेते हैं, वेस्टर्न किस्म की हरकतें करते हैं, और वो भी वो वेस्टर्न सीन्स और वेस्टर्न इक्वेशंस जो के बाजारी हैं, जो आसानी से इमिटेट कर किए जा सकते हैं. एक लड़की के जिस्म पे वो कैसी कैसा लिबास हो, वो तो कटर बना के दे देगा, लेकिन कहानी कहाँ से कौन कोई बनाएगा. लिटरेचर यू कैन, आई मीन टेक्निक यू कैन इम्पोर्ट, ऐसे आइडियाज़ यू कैन इम्पोर्ट इवन मशीनरी एंड कैमराज एंड टेलीविजन, बट यू कैन नॉट इम्पोर्ट लिटरेचर, यू कैन नॉट इम्पोर्ट कल्चर. कल्चर हैज़, लिटरेचर हैज़ टू कम from within the soils, and in absence of that culture, of that writing, the community, a development of a community of writers for these vast world, jisme Tamilian bhi hain, Bengali bhi hain, UP ke log bhi hain, Punjabi aadmi bhi hain, lekin where is our literature? Wo shohra kahan hai, shayar kahan hai? To kaun sa humne paida kiya? Basic baat jo ye samay main arz karun aapse, aapke zamane mein ye tha ke जिस वक्त आप परफॉर्म किया करते थे तो उसके अंदर थोड़ा सा ख्याल रखा जाता था लिटरेचर का, थोड़ा सा ख्याल रखा जाता था अदब का, थोड़ा सा ख्याल रखा जाता था कि प्रोनंसिएशन क्या होगी, डायलॉग डिलीवरी क्या होगी. ये वो आज के दौर के अंदर बेसिक बात तो ये है कि डायलॉग डिलीवरी का जो मेन कॉन्सेप्ट है, उस मेन कॉन्सेप्ट के लिहाज से आपको ये लाजमी है कि आपको कम अज़ कम म्यूज़िक की, रिदम की और ताल का शऊर होना चाहिए, तभी आप अपने डायलॉग को इस अंदाज से डिलीवर करेंगे और उसकी डिलीवरी को इस अंदाज से लाएंगे कि वो रिदमिक होगी और आवाम जो है सुनने वाले उसका असर कबूल करेंगे. ये ऐसा ही है जैसे रेलगाड़ी चलती है, चुक चुक से नींद आने लगती है, लेकिन अगर आपके यहाँ रिदम नहीं होता और हमारे सीनियर फनकारों ने जो कुछ भी आपको सिखाया है वो आप नहीं सीखते, तो उसका कोई असर. The essence of the question, still remains that जब तक कि हम वो literary qualities और qualitative work पैदा न करें, अगर मुल्क में स्वीडन में एक साल के का जिक्र था मेरे ख्याल से 1991 का, के छः फिल्म के आठ फिल्म शायद बने थे साल में, आठ फिल्म, बट लिटरेचर में नॉवेल्स जो थे अच्छे नॉवेल्स वो कोई 22 या 26 या 24 ऐसे नॉवेल्स थे और 1200 लॉन्ग शॉर्ट स्टोरीज थी. तमाम जो वो जो पिक्चर जो बने थे दे वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दैट लिटरेचर ऑफ लिटरेरी राइटर्स, जिनकी रूट्स फिल्म में या फिल्म इक्वेशंस में नहीं थी, उनकी रूट्स ज़मीन में थी, सॉइल में थी, अपने कल्चर में थी. हमारा कल्चर इसीलिए फिल्मिक कल्चर फ्लोट कर गया है. अब जैसे भाई कह रहे हैं मोहम्मद अली के, ठीक रिदम होना चाहिए और उस रिदम से आशना हो. किसी दहकान का रिदम अलग होगा, किसी तालीम याफ्ता सोशलाइट का अलग होगा, किसी मक्कार का अलग होगा, हर एक का अलग अलग ढंग होगा. बट देन अगेन दे आर ऑल प्लेइंग ऑन द सरफेस वेयर ऑन द बेस देर मस्ट बी ए पीस ऑफ लिटरेचर. जब तक ये नहीं होगा हम ये मसनूई यानी जो तलाश है ये करते रहेंगे, शिकायतें भी होंगी. घरों के अंदर तहजीब कैसी होगी? जी हाँ जी, तहजीब तो रही नहीं एक्चुअली. हाँ ये तो जो भी ये तगैर आया तो पूरे माशरे में. मैं तो ये कहूँ कि जो मोहम्मद अली भाई जी जिस तरह की गुफ्तगु कर रहे हैं और जो लहजा है उनके, जो तलफ़ुज़ में जो सेहत है, और वो आपको शायद इस्लामाबाद में आमतौर से बाज़ार में इधर उधर या लाहौर में नहीं मिलेगी, बम्बई में किसी जबान नहीं मिलेगी. बम्बैया जबान है, एक टकसाली लिंगो हम लोग एक वक्त ईजाद करता है. कमर्शियल सिनेमा जो है वो ज़्यादा ताकतवर हो गया है, तो आप समझते हैं कि पैरेलल सिनेमा को कायम रहना चाहिए? बिल्कुल. मदर इंडिया फिल्म था इनका,
वो क्या कमर्शियल सिनेमा था? बिल्कुल नहीं, मेरे हिसाब से कोई कमर्शियल सिनेमा नहीं है, कोई पैरल सिनेमा नहीं है. इज ए गुड सिनेमा और ए बैड नहीं. आप आर्ट सिनेमा को गुड सिनेमा कहते हैं या बैड सिनेमा? नो आर्ट सिनेमा, देयर इज ओनली सिनेमा. दैट्स राइट, मौसीकी है. आप उसको कोई भी पहलू रंग दे दीजिए, मगर क्या है कि अच्छी फिल्म अच्छी फिल्म होती है. मौसीकी में गजल है, भावगीत है, फोकलोर है, फिर हाँ लाइट क्लासिकल ठुमरी है, फिर पोटली का पीलू राग है. जी आप राग रागनिया अगर गाएंगे तो कुछ आदमी है जो समझ नहीं पाएंगे उसको. Now, art form is an evolved form like the classical music. तो जो आम आदमी है वो उसको respond नहीं कर सकता. नक्शे नाजे बुते तन्नाज बागोशे रखीब पाए ताउस पाए खामे मानी मांगे गालिब का शेर है. यह आम आदमी नहीं समझ सकता. और अगर मैं भी कहूँ कि इसकी तशरीह करूँगा तो मुझे वक्त लगेगा. बहुत ज़्यादा है इसमें. अब इसलिए जो अच्छा जो आसान शेर है और जो आम फहम है उस सिनेमा का नाम मेरे ख्याल से द मेन स्ट्रीम सिनेमा. लेट्स डील इन कॉमन सेंस एंड नॉट गो मच फॉर टर्मिनोलॉजीज, बिकॉज आर्ट फॉर्म कह देंगे तो वो कुछ. इट इज नॉट दैट इट वोंट रन, but it will have a grammar which people cannot understand and cannot absorb and they can't relate to it. matlab masses ke liye bhi to hona chahiye na kuch. it's not only for intellectual people, the romantic cinema, as I think you just said that the age of innocence, that was the age of innocence. wo jo romantic filme thi वो हम अब भी एंजॉय कर सकते हैं. हम सब लोग इस ऐसी एज ग्रुप के बैठे हुए हैं. आप ये डिस्कशन कर लीजिए आपको यूथ के साथ कॉलेज में लड़कियां पढ़ती कि वो कितना बदले हैं. क्या होता है कि हम ये सिर्फ परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, फिल्म मेकिंग की बात कर रहे हैं, उसके पीछे एक प्रोड्यूसर को क्या क्या मुसीबतें पड़ती हैं. फिल्म बनाने में कोई बैंक हमको लोन नहीं देता, हम जाते हैं फाइनेंसर्स के पास, वो पता नहीं कितना फेबुलस इंटरेस्ट चार्ज करते हैं. हमारे डिस्ट्रीब्यूटर, अगर आप फिल्म में गाना नहीं डालेंगे तो मजबूर करेंगे आप गाना डालिए. तो ये सारी मजबूरियां सामने रख के, अच्छा वो कहते हैं कि हमारी आवाम को ये चाहिए, आवाम को आपको देना है ये नहीं, आवाम को बिल्कुल ऐसी फिल्में नहीं चाहिए होती. फिल्म पहले बनती है, आवाम बाद में देखते हैं. आप पहले जो भी फिल्म बना के देते हैं. और ये अभी उन्होंने कहा कि मासिस ऐसी बात नहीं, वो बहुत अच्छी फिल्में देखते रहे हैं. यूसुफ साहब की फिल्में, आपकी फिल्में, आपकी, लेकिन वो हम लोग देखते रहे, क्यों हैं? हम लोग देखते रहे, हमारे बाद की फिल्में. अच्छा एक लम्हे, मेरा ख्याल है एक 5 मिनट का वक्फा. वेव्स की सितारों भरी शब में एक खास सवाल आपसे करना चाहते हैं. आपने इतना जबरदस्त रिस्क लिया, ट्रेजेडी के आप बादशाह माने जाते थे, द लव लेजेंड के नाम से आप मशहूर थे, एकदम आपने कॉमेडी शुरू की और कॉमेडी भी ऐसी कि कोहिनूर फिल्म में जो आपका और जीवन साहब का एक खास एक सीन था जिसमें शीशे के सामने आप दोनों खड़े हैं, मैं समझती हूँ कि वो किसी चैपलिन फिल्म से कम कॉमेडी नहीं थी. तो ये किस तरह आपने एक एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम से दूसरे एंड तक आपने कैसे तख्लीक नई एक शुरू कर दी? ये ट्रेजिक रोल करते करते ऐसे महसूस होने लगता था कि शायद कुछ मेरी ज़िंदगी का अंजाम भी ऐसे होगा. बेसिकली बुनियादी तौर से मैं आई एम नॉट ए वेरी ग्रीम पर्सन या स्पोर्ट्समैन था, खेलता था हंसी खेल, वो कुछ ज़ाविया ही तबीयत का बदलने लगा. अच्छी चीज़ मैंने ये की थी कि मैं इंग्लैंड जाता था हर साल, 10 साल तक बराबर जाता रहा. एंड आई यूज्ड टू सी प्लेस, तो प्ले और पिक्चर्स और रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स में उनके रिहर्सल्स देखने जाता था कि किस सख्ती से और किस स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन से वो रिहर्स कराते हैं. एंड दे बुक नो नॉनसेंस. इफ ए पर्सन मिसबिहेव्ड एंड देयर वाज वन गर्ल हु रिपीटेडली मिसबिहेव्ड, सो द टीचर वेरी नाइसली आस्क्ड टू बी क्वाइटन डाउन एंड ही सेड आई एम ट्राइंग टू टीच यू पीपल. और कहा कि यू थिंक दैट यू आर ए बिच.
and you are irritated, and you are irritated at these people, you know, start barking at them. और इतना जोर से उसने दो दवा का बार्क बार्क और भौंकने लगी. You see, this is the strong discipline under which people rehearsed. I met a person for personality correction because its fame jo tha wo mujhe bada disturb karta tha. I could not take it. I thought that I remember what he said, what's your problem, and I said it's Dilip Kumar and Yusuf Khan, the conflict between the two. And it was a serious problem because I couldn't sleep in the nights. और कोई जर्नलिस्ट अगर आए मुझे मिलने तो मैं समझूं कि ये मुझसे इतने सवाल पूछेगा कि अंदर का भेद जान जाएगा. अंदर तो कुछ भी नहीं है. मैं चल जाता था इधर से उधर से. सो देन ही टोल्ड मी दैट चेंज दिस ट्रैजिक, गो फॉर कॉमेडी. तो मैंने कहा इज़न दैट ए रिस्क. लेडी सिबल थॉर्नडाइक का आपने नाम सुना? जी बिल्कुल सुना. So she said that, Sonny, you try and do it very carefully. You try and do it very carefully. Okay, देखो ये ओलिवियर का किस्सा और आर्टिस्टों के कि इन्होंने अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर ही तो अपना काम चलाया है. So I remember मेरा पहला फिल्म जो था वो कोहिनूर था, आउट एंड आउट काम. जी बिल्कुल. तो उस ज़माने में ये खबरें ऐसी होती थी, हिंदी गाढ़ी होती थी, समझ में नहीं आती थी. तो उसके बाद वो सुनते नहीं थे हम अंग्रेज़ी. तो मिर्ज़ा साहब ने मुझे एक सीन लिख के लिया. मैं कुछ कैरेक्टर, कुछ साधु महाराज क्या महाराज का कुछ काम कर सके. प्रेमी जीवन की खल खोचना और भारत की चित्रा विक्री की गड़बड़ चेष्टा आधारिक हृदय पर धुरपटाख हो ही नहीं सकती. तो कहता क्यों महाराज? क्यों? कहते आशाकोश और चिंता दोष दोनों समाप्त हो जाए. तो उसने कहा ये तो बड़ा, ये कैसे होगा फिर? तो उसने कहा ये मनोप्रेम प्राणक्य अचानक्य और भवानक्य सुपुत्र हैं जो अपने विद्यार्थी जीवन से क्या उसको भूषण भंडार कर देते हैं. तो इस तरह के मकाल में थे वो. अच्छा, मायने उसके कुछ भी नहीं, सिर्फ ये है कि उसका तर्ज अदा ऐसा हो. तो इस तरह से कॉमेडी में जाने में इट वॉज ए टेरेबल रिस्क. मुझे याद ही ना हुआ कम्बर प्रेमी जीवन की खल खोचना और भारत के चित्रा विकली गड़बड़ चेष्टा और हर एक पर हृदय पर दुर्पटाक कैसे होगी. ये तो गोइंग देयर इज ए रिस्क बट देन यू गो टू टेक इट. जैसे आप मेरी एक जाती पर्सनैलिटी, आप उससे कहें कि भाई यू प्ले ए प्रेजेंट है, ज्यादा चिपड़ चिपड़ ना करे. धर धर के दही हूं एक रह पटा तबियत चौकन्ना हो जाए. अब ये गंवारी तो क्या है कि आई हैव टू लीव दैट पर्सनैलिटी, डिवोर्स दैट पर्सनैलिटी एंड अडॉप्ट ए न्यू पर्सनैलिटी. दैट्स व्हाई आई सेड कि व्हेन वी टेक सच ए असाइनमेंट इट्स टेकिंग रिस्क. कितने दिन तक अली मुरी समझ में नहीं आया कि ये शहजादा मुगल शहजादा कैसे चलता होगा. मैं हॉस्टाइल था शहजादों के और बादशाहों के, तो कैसा होगा ये, किस तरह से. और एक जिरा बख्तर बना दिया उन्होंने मुझे, 90 pounds उसका वजन. यानी अगर आगे चलो तो मैं रुक ही नहीं सकता क्योंकि वो पीछे से उसका जिरा बख्तर लगे, फिर मैं आगे चला जाऊँ. फिर मैं अभी रुकना यहाँ है तो जाके वहाँ रुकते थे. मैंने कहा साहब ये तो बहुत मुश्किल काम है. तो मैंने खेमा बनवाया था जी. उस खेमे में वो जिरा बख्तर उन्होंने खैर लाइट किया, वो कोई 50 pounds की बनी आखिर बाद में और भी हल्की हुई. तो जैसे सब्र मैं करूं जिसकी दुनिया वीरान कर दी गई, और सब्र वो न करे जिनके सिर्फ शौक के बाद शाहत को ठेस लगी. दुर्जन सिंह तुम ये तुम्हारे बाद क्या शहनशाह की बादशाही नहीं, खुदाई है कि वो दिनों पर भी पहरा लगा देना चाहते हैं. तो अब ये तमतराक लफ्ज में और उस तरह की गुफ्तगु. तो दिलीप कुमार तो बेचारा कहीं पर से दबक के डर के बैठा रहता, और वो हम अदाकारी उसके लिए करते रहते कि करो कुछ ना कुछ करो तो कुछ ना कुछ बात तो बने. आई फाउंड द चेंज वेरी वेरी टफ गोइंग. और ह्यूमर तो ज़रा इजी होता जी. ह्यूमर थोड़ा हमारी सबकी तबीयत में है. आपकी तबीयत में है?
अरे कितना अफसोस है इनको नजर ही नहीं नजर तो आ रहा है. I would love to know more about that because I'm just talking as somebody who's always known Dilip Kumar as the great tragedian, as the great romantic hero. I think all of us have loved that LUT. And there was a Dilip Kumar hairstyle as well. Yeah. And of course there was a Dilip Kumar. Even now, ab tak yahan pe Dilip Kumar hamare bahut ghoom rahe hain film industry mein aur television mein. Aur aapka impression, again wohi baat hai, I suppose for an artist, ki you get typecast in a particular role and then you came out of it. Try to break away from it. Exactly. But did. Nahi to bimar ho jayenge. Bilkul. सेफ खराब तो आपको कोई चेंज महसूस हुआ उसके बाद? जी हाँ. I felt liberated of that stranglehold of that sad man on me personally, because there's another personal life भी तो है ना. तो उसके अंदर में उससे निजात मिली. और कॉमेडी में क्या होता है, दिन भर जाइए राम और श्याम कीजिए या कोई लीडर पिक्चर कीजिए, हंसते खेलते सारा दिन भी गुजर जाता है, काम भी हो जाता है. लेकिन जी कॉमिक टाइमिंग ज्यादा मुश्किल नहीं है? बहुत. आप फिल्म भी तो डायरेक्ट कर रहे हैं, कलिंगा ये पहली फिल्म होगी आपके करियर की बहसियत अनाउंस्ड डायरेक्टर के. आपने मुझसे वादा किया था कि आप इस किस्म की सारी बातें मुझसे तरह दरिया पूछेंगे नहीं, और मैंने कहा था आपसे कि जब आप पूछेंगे तो मैं कह दूंगा कि ये नामुकम्मल अफसाने हैं. तो ये कंप्लीट नहीं होगी ये फिल्म? या आपने क्यों कहा? मैंने तो नहीं कहा. अभी आपने नामुकम्मल अफसाना, नामुकम्मल अफसाना है तो मतलब ये थोड़ी कि अफसाना मुकम्मल नहीं होता. तो ये कब तक कंप्लीट होगा? नहीं, एक बात और भी सुनी गई है. आपने गोल कर दिया मेरे सवाल का जवाब. मोइन, एक बात और सुनी गई है, मैं इसी के मुताबिक है. मैं एक बात कि बहुत सारी फिल्मों में आपका सब में दखल होता है, कहानी में आपका दखल होता है, डायरेक्शन में आपका दखल होता है, मकालमों में आपका दखल होता है, म्यूजिक में, कास्टिंग में, सब चीजों में आपका दखल होता है. कहाँ कहाँ से सुनी बातें आप? नहीं, ये सब ये सालम आवाज जो इकट्ठा करके लाए हैं ये तो अखबार नवीसों की सितम जरीफी है. कौन आदमी है बताइए मुझे, महबूब साहब की फिल्म में मैं कोई दखल कर दे सकता हूँ भाई? नहीं, सिर्फ महबूब साहब मनोहर की फिल्म में दे सकता हूँ. आपने महबूब साहब के अलावा भी तो बहुत सारे लोग, यार चोपड़ा साहब की फिल्म में या नहीं करते हैं, वो खुद बुलाते हैं. महबूब साहब डिस्कशन शुरू नहीं करते थे जब तक मैं ना हूँ. बिमलदा इंतजार करते थे. You have to participate, but you have to participate without carrying that crown of ego and that, so that you can take no for an answer. आपको अगर कोई कहे कि दिलीप साहब ये तो बहुत ये अच्छा अच्छे अच्छा अच्छा मशवरा नहीं है, इसमें बात जमी नहीं, तो उसके भी आदाब हैं. और इस फोरम पे बैठने के, डिस्कशन के, उसके भी आदाब हैं. यू शुड बी एबल टू टेक नो फॉर एन आंसर. उन्होंने कहा, सब ने कहा अच्छा इतना लगा नहीं, ठीक है, ज़्यादा बहस मत करो, क्योंकि वी आर ऑल ट्राइंग टू मेक ए बेटर फिल्म. उसमें मैं ये नहीं चाहता कि मेरा ही कैरेक्टर ऐसा अच्छा हो. मैं समझता हूँ कि अगर अली का कैरेक्टर, तो मैं कहूँ कैसे वो सेहतमंद कॉन्फ्लिक्ट कैसे बनेगी. इट्स एवरी बिट अ टीम वर्क. अशोक भैया से मैंने एक दफ़ा दीदार में कहा था कि अशोक भैया, मुझे लगता है कि ये आपके सीन्स के साथ तवज्जो नहीं दे रहे हैं, और आप इनसे कहिए. मैं उनसे भी कहता था कि नौशाद साहब से और अजम बाजीतपुरी साहब से या नितिन बोस बाबू से, कि भाई वी आर निगलेक्टिंग दिस कैरेक्टर, उसकी अथॉरिटी उतनी नहीं आ रही है. तो मैंने परेशान आके नितिन उनसे कहा, लेकिन मैंने कहा मेरा नाम मत लीजिएगा, क्योंकि मैं आगे अपने ही सीनों के लिए लड़ता झगड़ता हूँ. और तो अशोक भैया ने क्या किया, जब बैठे सब, भाई सुन लो मेरी बात, मैंने जो कहना, तुम लोग मेरे सीन्स की तरफ कोई ध्यान दे ही नहीं रहे हो, और ये तो सीन खराब हो जाएंगे. तो उन्होंने कहा कि ये आपको किसने कहा? आपने कहना यूसुफ ने कहा मुझको. मुझसे वादा कर रहे कर चुके थे वो कि नहीं बताएंगे. वहाँ कहने बता क्यों यूसुफ, तुमने कहा कि नहीं कहा? मैंने कहा जी हाँ मैंने कहा था, लेकिन मैंने आपसे ये भी तो कहा था कि इनको ये मत बताइएगा कि मैंने आपसे कहा है. और बाद में नौशाद साहब कहने के आगे कुछ मुसीबत कम है जो आप ये और इधर भी यानी चिंगारी में यानी चिंगारी छोड़ रहे हैं. तो ऐसा होता है, एंड दिस इज ए पार्ट ऑफ द गेम. कोई म्यूजिक ट्यून है, ये लड़का किसके लिए किरदार कैसा लेंगे आप, क्योंकि वो किरदार अगर अली काम कर रहे हैं तो उसके सामने वो बराबर ले और उसको भी कुछ मौका दें, ताकि अगर वो दिलीप कुमार के खिलाफ काम कर रहा है और दिलीप कुमार सब पे ही हावी है, तो वेयर इज द ड्रामा, वेयर इज द कॉन्फ्लिक्ट? द कॉन्फ्लिक्ट शुड कम अप.
इंटरेक्शन से होती है ना जी। पीरियड, मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया। ठीक सर, एक सवाल जी, अब मुझे सवाल करना और इजाफा करना चाहता हूँ जी। यही ये राज है कि इन्होंने बहुत कम फिल्में की हैं, और ये राज है कि पिछले 50 साल से अपना मकाम बनाए हुए हैं, क्योंकि कलेक्टिव एफर्ट होती है ये जी, और उसी वजह से अच्छी फिल्म बनती है। तो एक एक जन कहे, एक इंसान कहे कि मैं अच्छी फिल्म बना रहा हूँ, जब तक टोटैलिटी सबकी इन्वॉल्वमेंट नहीं हो और एक इंस्पिरेशन भी मिलती है। यू नो, हम भी जब फिल्मों में काम करते थे तो हम इंस्पायर करते थे डायरेक्टर को भी, कैमरामैन से भी, हम बोलते थे यार देखो लाइटिंग ठीक है कि नहीं है, साउंड रिकॉर्डिस्ट, मुझे याद है कि ईसा भाई आपके साउंड रिकॉर्डिस्ट थे जब आप वो देवदास फिल्म कर रहे थे, जो सब विमल राय की फिल्म आप कर रहे थे, तो ईसा भाई जो थे वो मेरी भी फिल्म कर रहे थे, तो मुझे किससे सुनाते थे इनके, कि उस ज़माने में क्या था कि ये डबिंग नहीं हुआ करती थी, स्टूडियो में ही जैसे रिकॉर्डिंग है हुई होगी, तो ये देवदास के करेक्टर में बड़ा आहिस्ता बोलते थे, धीमे बोलना जी हाँ, तो वहाँ से साउंड से वहाँ से आवाज़ आती थी। ये सब कह रहे हैं यो साहब वो केबल में ही आवाज़ दब गई है। वो आवाज़ ही नहीं पहुँची। तो इस तरह की इनकी इन्वॉल्वमेंट जो रही है इनकी फिल्मों में, यही वजह है कि आज भी ये कला की दुनिया में ये जिंदा हैं, और आज ये मकाम इनको मिला है, और जो इतना बड़ा एजाज आपकी सरकार इनको दे रही है, तो ये इनकी कंट्रीब्यूशन की वजह से, कलेक्टिव कंट्रीब्यूशन की वजह से है। सुनिए सर, आपने बहुत खूब कहा, और रूबन साहब की एक किताब में इनका अपना एक कोट है जिसमें वो कहते हैं कि आई हैव नेवर बीन इनसिंसियर टू माई वर्क एंड आई एम स्टिल ट्राइंग टू ग्रो। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं समझती हूँ कि एक इतने मायनाज कलाकार के लिए इतना ही कह देना कि अभी भी गुंजाइश है पढ़ने की, वो बहुत बड़ी बात है। ऑलवेज रूम एट द टॉप, यू नो, कभी नहीं कोई इंसान की ग्रोथ जो है वो ऐसा नहीं कि मुकम्मल हो जाता है, नामुमकिन है। और अगर आदमी कोई समझे कि मैं मुकम्मल हो गया हूँ तो वो बरसर खुद गलत होता है, नादानी की बात है। मैं अगर गलती नहीं कर रही हूँ तो हमारे यहाँ इस वक्त दो एक्स शेरिफ्स ऑफ बॉम्बे तशरीफ फरमा है। इनके बाद आया मैं जी। तो सवाल हमारा ये है कि आप लोगों की एक मेजर कंट्रीब्यूशन फिल्मी दुनिया की तरफ, एक अच्छे इंसान होने के नाते, एक फिर ये सोशल कॉन्शियसनेस, ये जो रिलेशनशिप है बिटवीन आर्ट एंड लाइफ, ये यूसुफ साहब इसका आपने लिंक कहाँ पाया और कहाँ तक इसको ले जाएंगे? मैं कुछ और ही सोच रहा था बीच में, और मुझे ख्याल आया था कि कह रहे थे कि हल्के फुल्के सवाल कीजिए ताकि कुछ अच्छा चलिए ये ओहदा क्यों कबूल किया आपने, शेरिफ का ओहदा क्यों कबूल? मैंने कबूल नहीं किया था, मैं ये कह के अपने चीफ मिनिस्टर से और मुझको बनाया था तो रजनी भाई ने, तो कह रहे आप तुम शरीफ बनो इस साल, तुम शरीफ, तो शरीफ का काम ये होता है शरीफ शरीफ तो थे तो मैंने कहा कि ये काम करना होगा, मैंने कहा नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ, और मुझे ऐसी किसी की मुसीबत में मत डालिए, क्योंकि उसमें ये शरीफ इज़ द फर्स्ट सिटीजन, ही रिप्रेजेंट्स द होल सिटीजनरी। किसी का अगर कोई कॉन्फिस्केट फ्रीडम अगर चला गया, उसको 6 महीने की सज़ा हुई है, तो देखता है कि मेरी एक लीगल रिमेम्बरेंस होती है कि ये सज़ा आईन के मुताबिक दी गई या ये हुआ कि नहीं, अगर इसकी जायदाद जब्त हो रही है, तो शरीफ इज़ ए सॉर्ट ऑफ ए नॉमिनल पोजिशन विदाउट एग्जीक्यूटिव पावर्स। तो जब मुझे मिल, मैंने कहा मैं नहीं, और वो प्राइम मिनिस्टर आ रही हैं, फ्रांस के प्रेसिडेंट गिस्कार्ड चले आ रहे, तो आप सुबह 7 बजे 8 बजे प्लेन में हाँ बाकायदा अपना सूट वूट पहन के पहुंच जाइए और खड़े हो जाइए, उनको ग्रीट कीजिए, फिर शाम को उधर रिसेप्शन है, उधर कुछ और है, सो दिस वाज क्रेजी रन अराउंड। तो मैंने उनसे कहा कि मैं तो नहीं करता, मैं भाग गया, मैं चला गया था महाबलेश्वर। महाबलेश्वर तीसरे चौथे दिन मैंने अखबार में देखा कि दिलीप कुमार द न्यूज़ शरीफ ऑफ बॉम्बे, तो मुझे ताज्जुब हुआ कि अनलेस आई एक्सेप्ट दिस, जी हाउ कैन आई बिकम द शरीफ ऑफ बॉम्बे,
बाय प्रॉक्सी कर दिया उन्होंने। हाँ, तो उनके पास अपने रजनी भाई थे, बहुत ही अजीज और बहुत ही शफीक और वेरी सेक्युलर पर्सन। और इत्तेफाक की बात है कि हम वहीं थे और हाँ, अरे आप भी तो भाई के साथ हम लोग साथ ही गए थे जब वोट उठाया था, हम वहीं थे तकरीब में, आप भी तशरीफ लाए थे। तो अब मैंने उसके बाद क्या झगड़ा दोस्तों से करना, उन्होंने कहा तुम्हारे तो मेरे पास साइन पेपर करने, तुम्हारी मुझे जरूरत ही क्या थी, मैंने तुम्हारा लिख के भेज दिया था दोस्ती की। यूसुफ साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप पेशावर में पैदा हुए, आपका बचपन लड़कपन वहाँ गुजरा, कुछ आपकी अर्ली मेमोरीज हैं पेशावर शहर की, कुछ उसके बारे में कहेंगे? बड़े खूबसूरत भी हैं, अच्छी भी हैं, और खाने पीने पे जोर रहता था या फिर लड़ने झगड़ने पर और अब कहाँ से छेड़ूं फसाना, कहाँ तमाम करूँ, वो बातें तेज रवि में नहीं हो सकती, वो आस्ता बैठे कहीं और वो महफिल जमे तो बाद में गपशप होगी। अच्छा, ये सब साहब, आप माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको, मतलब जिसका कोई भी इंसान तस्वुर कर सकता है, मतलब ये वो सब कुछ अल्लाह ने आपको दिया है, जैसे कहते हैं खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। मेरे ख्याल आपकी जो एक ज़माने में ये ख्वाहिश होगी कि आप एक बहुत अच्छे फनकार बने, वो आज अल्लाह ताला ने हर तरह से पूरी कर दी। आपको कभी कोई फेयर है ऐसा जो कभी कोई सताता होगा, कहीं अल्लाह ने नवाजा है उसके, उसका करम और उसकी फैयाजी, तो मैं अपने आप को किसी बात का भी अहल नहीं समझता और खौफ मुझे अपने बारे में तो नहीं है। हाँ, ये ज़रूर रहता कि भाई आगे क्या करना है, तो जो होगा कर वैसे ही करते आए, कभी कोई ऐसा मंसूबा नहीं बांधा कि इस तरह से करेंगे, वो यूं करेंगे, जो जैसे जैसे सामने आता गया वो करते चले गए। और ज़िंदगी थी बड़ी अच्छी खूबसूरती से कटी, बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े अच्छे रफीक हैं, छोटे भाई हैं, इन जैसे बड़ी खूबसूरत बेगम मिली जी, माशाल्लाह, यस माशाल्लाह, जिनकी आज कमी बड़ी महसूस हो रही है, कमी महसूस जी हाँ, उनको तो बड़ा लुत्फ आता है इसमें बैठ के बड़ी तरहदार बातें करने में, तो ऐसी कोई हसरत बाकी नहीं है। ये जो निशान मैंने आपसे हसरत नहीं कहा, फियर, फियर जी, फियर तो बहुत है, वो अल्लाह का डर लगता है मुझे, और जितनी मैं बातें देखता हूँ सुनता हूँ तो वाकई मुझे ऐसे महसूस होता है कि किसी और की बात है, और क्या तुम रंग वंग लगा के और झूठ वूठ सब बातें करते हैं कि ये माँ है, ये मर गई है और इसका नौहा किया जाए, या ये जुदाई हो रही है, न जुदाई होती है, न माँ बेचारी मरी होती है, तो ललिता पवार लेटी हुई होती हैं, वो भी आंखें बंद करके पानी कहाँ का इंस्पिरेशन, देर इज़ ए क्रिटिक सिटिंग इनसाइड यू एंड वो बैठा हुआ पूरा तखमीना बड़ा बराबर बराबर देता जाता है, ये अपने हवास कायम रखो, इसमें बहक नहीं जाओ। अल्लाह का शुक्र है, मैं उसका जितना शुक्र अदा करूँ कम है कि उसने जिसे भी ये निशान इम्तियाज़, ये एक संग मील है मेरे करियर का, और मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने ये किसी ख़ास परफॉर्मेंस के लिए नहीं दिया कि इस काम पिक्चर में काम अच्छा था या उसमें अच्छा था, मजमूई तौर से एक आर्टिस्ट की जद्दोजहद और उसकी ज़ाती नशोनुमा और फिर उसका काम में कुछ इन्वेस्टमेंट और कुछ उसका इन्वेस्टमेंट सोशल और अखलाकी तहरीकों में, ये सब मिलजुल के एक आर्टिस्ट को आजकल ही हैज़ टू बी एसेंशियली प्रूव इट टू द पीपल दैट ही इज़ ए पार्ट ऑफ द सोसाइटी, अदरवाइज मोस्टली परफॉर्मर्स वेर आइसोलेटेड एंड वेर नॉट टेकन इन बाय द सोसाइटी
यानी ये जो सोशल तहरीकें जो सुनील करते हैं और जो लोगों लोग इनका एहतराम करते हैं जितनी ज़्यादा है, यानी तो ये काबिल सताइश इनके अपने काम हैं। हमने भी अपने लिए एक पर्सनल एंकर जिसको कहते हैं ना कि कहीं ठहराओ अंदर तबीयत के अंदर ऐसा आए कि जिससे हम समझें कि हम इस माशरे से मुनसलिक हैं और ये हमारे बच्चे हैं। और ये देखिए बहुत ज़्यादा घमंड न कीजिएगा, मैं इसी तरह परेशान था, खुद अपने आप से परेशान। किस लिए परेशान? अपनी शोहरत से परेशान। तो एक बच्चा था, उसकी आधा धड़ कटा हुआ था और वो टोकरी में उसके माँ बाप उसको बिठा देते थे भीख मांगने के लिए, और दौड़ता दौड़ता चला आ रहा था। वही उसी महाबलेश्वर की बात करता हूँ, सलक कोई नहीं, दिलीप कुमार ऐसा करके उसने हाथ बढ़ाया। और मुझे हैरत हुई कि मैं परेशान हूँ कि मेरे इस फिल्म का क्या होगा, मतलब कैसे बनेगा क्या नहीं होगा। और वो बेफिक्र बशाश यूँ हंसता हुआ उसने मुझे हाथ, तो हाथ मिलाने के बाद मैंने कहा कि शर्म आनी चाहिए मुझे, देखो ये कितनी माजूरी और मोहताजी अल्लाह ने इसको दी, लेकिन कितना खुश है। और अपने आप में एक ठहराव पैदा करना वो ज़रूरी है, उसमें ये तहरीकें हमारे साथ आती हैं जिनसे कि कोई एक क्रेडिबिलिटी बनती है। मेरे ख्याल से ये अवार्ड जो है, मैं इसको बसद उज्ज़ व तशक्कुर कबूल करूँगा, और संगे मील इसलिए कहता हूँ कि ये एक ज़िंदगी का कॉम्पोजिट जो फैसेट है, मेरे ख्याल से ये उसकी बिना पर हुकूमत पाकिस्तान ने अपनी दानिशमंदी में मुनासिब समझा के इसको दिया जा सकता। यूसुफ साहब एक आखिरी सवाल है, बहुत मज़ेदार, मैंने समझा इतना अच्छा, मैंने उनको यकीन नहीं है यार इस सवाल ने कर दिया। लेकिन एक छोटी सी खलिश है जो मेरा ख्याल है बड़ा मुनासिब होगा जी कि यहाँ वो दूर कर दी जाए। एक कुछ परसेप्शन है, आपने तहरीक की बात की, 1965 में कुछ तहरीकें चली थी जिनके साथ आपको मुंसलिक किया गया था। यहाँ कुछ थोड़ा सा उसके बारे में लोगों को ख्याल था कि शायद ये नामुनासिब था। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं उस ज़माने में फिल्म प्रोड्यूसर्स गिल्ड का सदर था, और हालांकि यंग था, मेरे से बहुत सीनियर थे शांताराम जी, महबूब साहब और विजय भट्ट साहब, सौरभ मोदी साहब, लेकिन चूंकि मैं सामाजिक कामों में हिस्सा लेता था, उन्होंने समझा कि शायद इसमें भी मैं ठीक तरह से काम करूंगा। वॉर डिक्लेयर हो गई, अब उसमें हमारा एक तख्लीकी माशरा है और उसका नस जो है उसका सेंट्रीफ्यूगल पॉइंट पीस है एंड लव। मीटिंग में ये हुआ कि डिफेंस कमेटी बनाई जाए, अगर एक क्या किया जाए कि आर्मी को एक टैंक दिया जाए खरीद कर। मैं सोच रहा था कि हमारा कमिटमेंट किस चीज से है, इज इट विद बैटल एंड इज इट विद किलिंग एंड इज इट विद दिस काइंड ऑफ पेट्रियाटिज्म, इस किस्म की हुब्बुल वतनी है कि हम दोनों भाई एक दूसरे से लड़ें और एक दूसरे का खून बहाएं। मैंने कहा ये मुझे इस राय से इत्तेफाक नहीं है, मेरा ख्याल है कि ये इनेविटेबल चीज़ है। तो हम कहते हैं, हम दुआ करते हैं कि एंड आई रिमेंबर माई वर्ड्स कि वी आर ए क्रिएटिव कम्युनिटी एंड वी हैव ए पीस कॉन्शियंस विद पीस एज इट्स कोर। And I do hope that the covenants of sanity will prevail. बहुत हो। Covenants of sanity will prevail. और अगर कुछ करना है तो टैंक दे के तो हम इसी जंगो जदल को और फरोग देंगे। इसलिए let us collect a fund which will deal with the wounded people who are disabled. और जो उससे असरअंदाज होंगे, जो यतीम हैं या कोई बेवा औरतें हैं, उनके लिए हम कुछ करेंगे। आपके मुंह से ये बातें सुनने के लिए बहुत से लोग बेताब थे।
I think we are all artists here. Yes. Mm-hmm. We are. And we all believe in peace. Absolutely. And we all believe in the happiness of man. Yes. Insan qayam rahe, insaniyat qayam rahe, yehi hamara marg hai. Khawateen aur hazrat, baat ye hai ke waqt jo hai wo ijazat nahi deta is baat ki ke hum bahut sare sawalat hain. Dilip sahab pura ek ahd hain, ek daur hain. Aur mera khayal hai ke हफ्तों महीनों इनसे इंटरव्यू किया जा सकता है, गुफ्तगू की जा सकती है, लेकिन पाकिस्तान टेलीविज़न ने कूज़े में दरिया को बंद करने की एक कोशिश की थी. हम हमेशा चश्मे बरा रहेंगे कि दिलीप कुमार साहब, सुनील दत्त साहब आए सर आँखों पे, हम उनकी मेहमान नवाजी के मुंतज़िर रहेंगे. मोहम्मद अली साहब का शुक्रिया, सुनील दत्त साहब का शुक्रिया, मिसेस मोहम्मद अली साहब का शुक्रिया, हमारी टेलीविज़न की नामवर डायरेक्टर साहिरा काजमी का शुक्रिया, नैयर भाभी का शुक्रिया, खालिद साहब का शुक्रिया, आपका शुक्रिया, एंड अबव ऑल आपका शुक्रिया. आप शुक्रिया. फॉर ऑल ऑफ अस. बहुत शुक्रिया. इजाज़त दीजिए. खुदा हाफिज़. थैंक यू. पाकिस्तान.